हेलो एवरीवन, देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। वाई इक्वल टेन इनवर्स ब्रैकेट है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन और डिवाइड में एक्स प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, और हमें प्रूव करना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल माइनस फाइव एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसको मैं पहले अंदर थोड़ा सोल्व करूँगा। जैसे हमारे पास बाहर टेन इनवर्स है और अंदर वन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन और डिवाइड में एक्स है। इसको और इसको यहाँ पर थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अंदर से, फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो वाई इक्वल यहाँ पर मैं लेट कर ले पुट करूँगा पुट एक्स इक्वल टेन वाई। ओके, एक्स के जहाँ पर एक्स है वहाँ पर टेन वाई पुट करूँगा, तो वाई इक्वल क्या होगा टेन इनवर्स देखिए अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वेयर वाई। ओके, और माइनस वन डिवाइड में यहाँ पर टेन वाई। ओके, प्लस यहाँ पर क्या होगा टेन इनवर्स और टू टेन वाई डिवाइड में यहाँ पर वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स एक्स स्क्वेयर है तो टेन स्क्वेयर वाई। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास टेन टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टेन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स और डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। ओके, यही होता है। और हमारे पास यहाँ पर देखिए अंदर टू टेन वाई है और वन माइनस टेन स्क्वेयर वाई है, वाई में है ये अंदर वाला, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टेन टू वाई। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या है वन प्लस टेन स्क्वेयर। ओके, वन प्लस टेन स्क्वेयर क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स है, तो ये क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करूँगा मैं वाई इक्वल टेन इनवर्स अंदर इसकी जगह सीकेंट स्क्वेयर एक्स और इसका अंडर रूट है, अंडर रूट से ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा माइनस वन ओपन ये टेन वाई है, इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन और कोस में, तो ये क्या हो जाएगा साइन वाई अपॉन कोस वाई। ओके, प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स इस अंदर वाले की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं टेन टू वाई। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, एक्स की जगह यहाँ पर हमारे पास वाई है तो इसे हम टेन टू वाई लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अभी हम ये सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स होता है वन अपॉन कोस एक्स। ओके, तो इसकी जगह वन अपॉन कोस एक्स रखेंगे हम, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स माइनस वन है तो इस सीकेंट एक्स की जगह मैं वन अपॉन कोस लिख सकता हूँ सीकेंट एक्स और माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वन माइनस कोस एक्स बाय कोस एक्स हो जाएगा ये। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकी, तो सीकेंट एक्स की जगह मैंने वन अपॉन कोस रखा और माइनस वन है तो माइनस वन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इस वन के साथ होगी तो वन माइनस कोस एक्स हो जाएगा डिवाइड में कोस एक्स। तो इस सीकेंट एक्स और माइनस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये वन माइनस कोस एक्स बाय कोस एक्स, तो वाई इक्वल टेन इनवर्स इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस कोस एक्स बाय कोस एक्स। ओके, वाई में है ये हमारा, सॉरी वाई में है। ओके, तो हम वाई रखेंगे यहाँ पर और डिवाइड में हमारा क्या है साइन वाई डिवाइड बाय कोस वाई। ओके, ये मैंने एक्स में लिखा है लेकिन हमारे पास यहाँ पर वाई में चल रहा है तो वाई में लिखेंगे हम, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या चल रहा है टेन इनवर्स टेन टू वाई। ओके, देखिए ये टेन इनवर्स है, ये अंदर टेन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कोस वाई से कोस वाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या बच रहा है वाई इक्वल टेन इनवर्स वन माइनस कोस
एक्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये 2 sin² एक्स बाय 2 होता है ये। ओके ओके, 1 cos x का। तो हम यहाँ पर y के लिए ये यूज कर लेंगे, और यहाँ पर नीचे है sin x। साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। ओके, हम यहाँ पर हमारे पास साइन वाई, तो यहाँ पर हम साइन वाई का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो देखिए 1 cos y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin² y बाय 2। ओके, और डिवाइड में इस साइन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin y बाय 2 इंटू कोस वाई बाय 2। ओके, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 2y। ओके, यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अंदर साइन बाय कोस क्या बन रहा है, 10। तो हम लिख देते हैं ये 10 inverse 10y बाय 2। ओके, ये 10 से ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, प्लस 2y। ओके, यहाँ पर अभी हमारे पास क्या बच रहा है, y बाय 2 प्लस 2y। ओके, अभी हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, या हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये y इक्वल चल रहा है हमारा। ओके, या हमारा देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी, इस y को मैं अलग नाम दे देता हूँ। पुट किया हमने x इक्वल 10y, तो इसको 10 star नाम दे देते हैं हम। ओके, 10 star, आप t भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, a b c कुछ भी। मैंने यहाँ पर y, क्योंकि y तो हमारा, ये y इक्वल तो हमें दिया है, तो y star नाम दे देता हूँ मैं इसको। आप यहाँ पर इसके जगह कुछ और t पुट कर लेना। ओके, क्योंकि y इक्वल तो ये हमें गिवन ही था, तो इसकी जगह मैं स्टार नाम दे देता हूँ सभी जगह। तो इसको भी मैं स्टार नाम दे देता हूँ, इसको भी स्टार, और ये भी y स्टार। ओके, मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये y इक्वल हमारा पहले से ही चल रहा था, और हमने y वापस पुट कर लिया है। ओके, तो देखिए अभी हम इनको कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा वाई स्टार बाय 2 और प्लस 2y star। ओके, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना होगा हमारे पास, वाई स्टार, और यहाँ पर 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4y star। ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, ये कितना हो गया, वाई स्टार प्लस 4y star कितना हो गया, 5y star। ओके, डिवाइड बाय 2। ये हमारी y की वैल्यू है, y इक्वल क्या मिला हमें, 5y star बाय 2। अभी हम यहाँ पर y स्टार की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम y स्टार की अगर वैल्यू निकालें, तो देखिए ये 10 है, 10 को इस साइड लेकर आएंगे, तो y स्टार की हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 inverse x। ओके, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 5 10 inverse x डिवाइड बाय 2। अभी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का, तो ये हमारा y इक्वल है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। और देखिए 10 inverse x का डिफरेंशिएट क्या होता है, d/dx 10 inverse x ये होता है 1/1 + x². ओके, तो यहाँ पर हम इसका करेंगे, तो 5/2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, और 10 inverse का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/1 + x². ओके, अभी हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो d²y/dx² इक्वल 5/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, 5/2 तो कॉन्स्टेंट है, वापस 1 + x² का करेंगे, तो हम इसको ऊपर ले आएंगे, तो ये पावर में -1 हो जाएगा, 1/1 x². ओके, में 1 हो जाएगा, तो अभी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये -1 आगे आ जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस टू। ओके, अभी हम डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, पहले पावर सोल्व की है हमने, तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वेयर का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस टू। ओके, और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट फिर वन प्लस एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स। तो ये माइनस वन, यहाँ पर ये माइनस में है पावर, तो इसे मैं डिवाइड में ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर की पावर टू। ओके, इंटू टू एक्स, तो यही हमारा डिफरेंशिएट है, इसके मैं मल्टीप्लाई कर लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यही है, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमें क्या वैल्यू मिल पाएगी, माइनस फाइव एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।